हेलो गाइस, आज की वीडियो में बताऊंगा कि आप अगर आपको भी ये मैसेज आ रहा है, डियर रेजिडेंट द स्टेटस ऑफ योर सर्विस रिक्वेस्ट नंबर एस और इसका कि कुछ नंबर लिखा रहा है कि इज इन प्रोग्रेस। यहाँ पे एक मैसेज सेंड करा गया UIDAI जो कि आधार वालों ने सेंड करे। तो इसका क्या मतलब होता है कि डियर रेजिडेंट द स्टेटस ऑफ योर सर्विस रिक्वेस्ट नंबर इज इन प्रोग्रेस। आज की वीडियो में इसका मैं सॉल्यूशन और मतलब बताऊंगा, तो वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल जीरो टू इन्फिनिटी को सब्सक्राइब करें। दरअसल जब भी आप अपने सुविधा सेंटर जाते हो, मतलब अपने आधार के सेंटर पे जाते हो, सर्विस सेंटर, तो वहां पे आप कुछ चेंज करवाते हो, अगर आप कुछ एडिट करवाते हो, कुछ चेंज करवाते हो, अपनी डेट ऑफ बर्थ चेंज कराते हो, फोटो चेंज करवाते हो या फिर अपने आधार कार्ड को अपडेट करते हो, तो उसके बाद क्या होता है, एक उन्होंने रिक्वेस्ट सेंड कर दी होती है चेंज करने के लिए, तो एक उसके लिए एक नंबर सेंड करा होता है, एक सर्विस रिक्वेस्ट नंबर। मतलब अगर आपकी जो सर्विस कम्प्लीट नहीं हुई है तो आप इस पर चेक कर सकते हो उसकी प्रोग्रेस कहाँ तक पहुंची है, वो कम्प्लीट हुई है या नहीं। तो ये सब इस रेजिडेंट नंबर होता है जो, तो इससे आप वो चेक कर पाओगे। तो मुझे भी ये सेम प्रॉब्लम आ रही थी, तो इस तरीके से आपने भी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये मेथड ट्राई करना है और आई होप आपको ये ट्रिक आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आ रही है, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, हम आपके हर प्रॉब्लम को सॉल्व जरूर करेंगे। आई होप वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव साबित हुई होगी। अगर आप कुछ और भी जानना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, हम आपके हर प्रॉब्लम को सॉल्व जरूर करेंगे।